अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्ट्स पे एंड साइट मैप पे, ये क्या चीज़ होती है। अभी हम लोग जो साइट वाइड स्टफ है उसकी तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। साइट वाइड क्या मतलब, जो पूरी साइट के लिए ऑन द होल आपको एक ही बार करना पड़ता है और पूरी साइट पे अप्लाई हो जाता है। ये पेज बाय पेज, पोस्ट बाय पोस्ट, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको काम नहीं करना पड़ता। ये आपने सिर्फ एक ही जगह से इसको सेटअप करना है और ये पूरी साइट के लिए सेटअप हो जाएगा। ये साइट वाइड स्टफ होता है। और इससे लास्ट में हम लोगों ने सिर्फ एक साइट वाइड स्टफ किया था, जिसमें हम लोगों ने परमालिंक स्ट्रक्चर जो है उसको सेटअप किया था, जिसमें हम सेटिंग्स में गए थे, परमालिंक्स में गए थे और पोस्ट नेम वाला जो हमने चूज करके सेव किया वो साइट वाइड था। इसके अलावा जो कुछ भी हमने किया लास्ट में वो आपका सबका सब जो है वो लाइक इंडिविजुअल पोस्ट पेज के साथ अलग से परफॉर्म करना पड़ेगा। और अब हम मूव कर रहे हैं साइट वाइड स्टफ पे। तो साइट मैप जो है वो साइट वाइड है, रिपोर्ट जो है वो आपके साइट वाइड हैं, एक ही बार आपके कन्फिगर होंगे, सेटअप होंगे और पूरी साइट पे अप्लाई हो जाएंगे। आपको बार बार अलग अलग जगहों पे जाके काम नहीं करना पड़ेगा। सो साइट मैप क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। साइट मैप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, साइट वेबसाइट, वेबसाइट भी साइट बोलते हैं ना, फिलहाल साइट ओपन करें तो वेबसाइट ही आपकी साइट है। साइट मैप तो वेबसाइट का नक्शा, कुछ यही बात समझ में आती है ना, कोई मैप है उसका। तो साइट मैप असल में जो नाम से पता चल रहा है आपको वही चीज़ है, ये वेबसाइट का मैप है, ये नक्शा है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे लाहौर जाना है मुल्तान से, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं लाहौर से मोटरवे के थ्रू मुल्तान जा सकता हूँ, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं जीटी रोड के थ्रू जा सकता हूँ, जो मुल्तान रोड है उसके थ्रू जा सकता हूँ। दो रास्ते मेरे पास हैं। मुझे कोई गाइड करता है, मुझे आज से पहले मैं नहीं गया हुआ, मुझे एक पर्सन कहता है कि आप ऐसे करो, आप मोटरवे से जाओ, मोटरवे से आपको टाइम कम लगेगा, आप जल्दी पहुंच जाओगे। और एक पर्सन मुझे कहता है जीटी रोड से जाओ। अब जीटी रोड ने भी मुझे लाहौर ही पहुंचाना है, मुझे जो दूसरा डायरेक्शन है आपकी मोटरवे उसने भी मुझे लाहौर ही पहुंचाना है। बट मेरे लिए जो बेस्ट वे था, जो बेस्ट पाथ था, वो मोटरवे था। मोटरवे के थ्रू मैं आता, मेरा एक घंटा बच जाना था, डेढ़ घंटा बच जाना था, मेरा टाइम बचना था, मुझे ट्रैफिक कम फेस करनी पड़नी थी, तो ज़्यादा फिजिबल था मेरे लिए। उसी तरह से जो आपकी साइट का पूरा स्ट्रक्चर है, जो उसका एक मैप है, वो गूगल वैसे भी देख लेगा। अगर आप नहीं बताओगे तब भी वो उसको फेच करेगा, उसको देखेगा, लेकिन जैसे उसको समझ आएगी वो उस तरह से कर लेगा। जैसे अगर वो लाहौर से मुल्तान आने वाला अगर किसी से ना पूछता, अपनी मनमानी करता और ख़ुद से देखता चलो जी मुल्तान रोड से चलते हैं, और जब लाहौर पहुँच जाता तो फिर उसे किसी से पूछता या उसे कोई गाइड करता कि भैया आप मुल्तान रोड से क्यों आए हो, आप मोटरवे से क्यों नहीं आए, आपका टाइम बचना था, फिर उसने कहना था मुझे तो आइडिया नहीं था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गूगल को गूगल की लैंग्वेज में चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारी वेबसाइट को फेच करना है, हमारी पूरी वेबसाइट को इंडेक्स करना है, अपने डेटाबेस में ऐड करना है, तो कौन सा पेज किस तरह से है, मतलब हमारी साइट पे कितने पेजेस हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करके हम लोग बता देते हैं गूगल को उसी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके साइट मैप के अंदर, ताकि उसको इजीली समझ आ जाए हर बात की। मैंने एग्जांपल बड़ी एक ब्रॉड सी यूज़ की है ताकि जो कोई भी इस कोर्स को देख रहा है उसको समझ आ जाए। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दी है वो काफ़ी ब्रॉड एग्जांपल दी है लाहौर और मुल्तान की, इसलिए ताकि सब लोगों के साथ रिलेट कर सके। वरना मैं अगर लाहौर में किसी जगह की एग्जाम्पल दे देता, मैं कराची में किसी जगह की एग्जाम्पल दे देता, तो जो लोग वहाँ नहीं आए उनको समझ नहीं आनी थी। लेकिन लाहौर मुल्तान वाली आपको एग्जाम्पल थोड़ी सी क्लियरली समझ आ गई होगी। तो हम हमेशा वो रास्ता चूज़ करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है। लेकिन हमें अगर नहीं पता तो हमारे से मिस्टेक हो सकती है, हम किसी और रास्ते पे आ सकते हैं। और पहुंचना तो हमने लाहौर ही है, लेकिन उससे होगा क्या कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें लाइक ट्रैफिक फेस करना पड़ सकती है, और अगर वो रास्ता कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग उसमें गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, हमें मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं काफ़ी सारी। इस वजह से अगर हमें पता हो और हमें कोई गाइड कर दे तो हमें पता है कि स्ट्रेट में हमने कहाँ जाना है। सो ऐसी ही बात आपकी साइट मैप है, आप गूगल को उसी की लैंग्वेज में बताते हो कि भाई हमारी साइट का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मैप क्या है, हमारे कहाँ पे पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं, कहाँ पे पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, कहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ पे कैटेगरीज हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, वो हर चीज़ के बारे में आप उसको गाइड कर देते हो उसी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ उसी की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, क्योंकि उसको चीज़ फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब मेरा एक क्लाइंट है, मैं किसी पर्सन के साथ काम कर रहा हूँ, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है, उसकी फ्रेंच उसकी नेटिव लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन चलो मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ। अब ये है कि मुझे उसे कोई बात कन्वे करनी है, मुझे पता है कि उसकी जो फ्रेंच है वो तो खैर नेटिव है, उसकी जो इंग्लिश है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो अक्सर मैं जो बात करता हूँ उसको शायद समझ प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती,
तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे उसको कन्वे करनी है और वैसे ही कन्वे करनी है जैसे मैं करना चाह रहा हूँ, वो परसेप्शन चेंज ना हो जाए। तो मैं एक ट्रांसलेटर हायर करता हूँ, मैं एक हायर करता हूँ पर्सन जो फ्रेंच भी है और साथ उसकी इंग्लिश भी आती है अच्छी। मैं उसे कहता हूँ ये मेरा इंग्लिश में कॉन्टेंट है या मेरा प्रपोजल है या कोटेशन है जो भी चीज़ है, उसको आप ट्रांसलेट करो इनटू फ्रेंच और आप मुझे सेंड कर दें, मैं उसको पे कर दूंगा इस चीज़ का, वो मुझे सेंड कर देगा। फिर मैं वो जो फ्रेंच वर्जन है वो उठा के अपने क्लाइंट को सेंड करूंगा और बोलूंगा कि मैंने आपके लिए इस वर्जन को फ्रेंच में कन्वर्ट करवा के मैं आपको सेंड कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। तो अब अगर उसकी इंग्लिश अच्छी थी या नहीं थी, मैंने तो उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट करवा के दे दिए, तो फ्रेंच में जब वो समझेगा तो उसको क्लियर हर चीज़ समझ आएगी कि ये बंदा बात क्या करना चाह रहा है, मेरे मीनिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मीनिंग में चेंज आ सकता है। तो इसलिए हम गूगल को उसकी लैंग्वेज में जब चीज़ ट्रांसलेट करके देंगे तो उसको चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। और उसकी लैंग्वेज जो क्या है इस चीज़ को रीड करने की, वो XML लैंग्वेज है, तो हम XML लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके हम उसको देते हैं। ठीक है, अब ये क्रिएट कैसे करते हैं इसकी बात कर लेते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाना आपको ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट, ये क्रिएट कैसे होता है, किस तरह का नज़र आता है, इसके साथ हम क्या क्या कुछ करते हैं उसकी बात करेंगे। सो जब आप लोग यूस्ट इंस्टॉल करते हो तो थैंक्स टू यूस्ट SEO, आप यूज करें, आप रैंक बैथ करें, आप ऑल इन वन SEO पैक करें, इन सब के अंदर ऑप्शन है कि आपका साइट मैप जो है ना बिल्ट इन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ प्लगइन्स हैं उसमें बिल्ट इन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, जिसका यूज्ड में ऑटोमेटिकली हो चुका होगा। कुछ प्लगइन्स हैं जिसमें आपको एनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा। तो हम अपनी साइट का पूरा एक मैप करके, मैपिंग करके हम प्रोवाइड कर देंगे गूगल को, ये लें जी इस चीज़ को, हमारी साइट को इस तरह से इंडेक्स करें ताकि कोई मिस्टेक के चांसेस भी ना हो और हम उसके लिए ज़्यादा फिजिबल कर दें, उसको क्लियर हर चीज़ वैसे ही समझ आए जैसे हम उसको समझाना चाहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे जो लेफ्ट साइड बार है यहाँ पे आऊँ और ये आपके पास SEO का ऑप्शन आ रहा है, जब हमने यूज्ड SEO प्लगइन इंस्टॉल किया था तब ये ऑप्शन आया था। और इस ऑप्शन में अब हमने जाना है, फर्स्ट टाइम इसमें इंटर हो रहे हैं, पहले तो हमने सिर्फ मेटाज ऐड किए हैं। तो लेफ्ट साइड बार में आप आएंगे ये यूज्ड SEO पे, इसमें ये जनरल सेटिंग है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जनरल सेटिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा फीचर्स का, आप फीचर्स में जाएंगे। सो ये आपके पास जनरल सेटिंग ओपन होगी, अब जनरल सेटिंग के अंदर ये फीचर्स का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आपने फीचर्स के ऑप्शन में चले जाना है। जब फीचर के ऑप्शन में जाएंगे तो जो जो फीचर्स इसके अवेलेबल हैं, जो ऑन ऑफ हैं, वो सब चीज़ें आपके सामने नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपके पास, XML साइट मैप। तो XML लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है इसलिए XML साथ लिखा हुआ आ रहा है। एक होता है यूजर साइट मैप, एक होता है XML साइट मैप। XML साइट मैप है आपके सर्च इंजन के लिए, यूजर साइट मैप आपका है आम लोगों के लिए कि हमारी साइट में कहाँ पे होम पेज है, कहाँ पे अबाउट है, कहाँ पे सर्विसेज के पेजेस हैं, सर्विसेज के पेजेस कौन कौन से पेजेस हैं, सर्विसेज के नीचे कौन कौन से पेजेस हैं, और इस तरह से पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है आम यूजर के लिए, हमें अंडरस्टैंड करने में इजी होता है। तो वो साइट मैप है हमारे लिए यूजर साइट मैप। और XML साइट मैप जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं ये होता है सर्च इंजन के लिए, गूगल है, याहू है, बिंग है, सबके लिए ये होगा। तो मैं गूगल का वर्ड इसलिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारा मेन कंसर्न गूगल है। सो SEO जर्नल, और जर्नल में फीचर्स में आया, फीचर्स में आने के बाद ये आपके पास XML साइट मैप का ऑप्शन है, इसके सामने ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। ये क्वेश्चन मार्क में जैसे मैंने क्लिक किया, नीचे आपके पास ये दो लाइनें, डेढ़ लाइन ओपन हो गई है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है एनेबल द XML साइट मैप दैट यूज्ड SEO जनरेट। तो ऑलरेडी एनेबल है, ऑन है ये, ठीक है, ये ऑलरेडी ऑन है। उसके बाद सी द XML साइट मैप, जो साइट मैप बना हुआ है उसको देखें, रीड वाई XML साइट मैप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर साइट, अगर पढ़ना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके पढ़ें क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये सी द XML साइट मैप, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा साइट मैप जो ऑलरेडी यूज ने बनाया हुआ है वो मेरे सामने आ जाएगा। तो ये साइट मैप है जो यूज ने बनाया है, और इसमें आप देखें कि क्या चीज़ है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके, ये गूगल के सबमिट करना है हमने, तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट साइट मैप आ रहा है, फिर यहाँ पे पेज साइट मैप आ रहा है, फिर प्रोडक्ट का साइट मैप आ रहा है, फिर कैटेगरी का साइट मैप आ रहा है, फिर प्रोडक्ट कैटेगरी साइट मैप आ रहा है, फिर आपका ऑथर साइट मैप आ रहा है। तो ये डिफरेंट आपके जो एरियाज हैं उसके अलग अलग सेपरेट सेक्शंस बना दिए हैं इसने, पेज पोस्ट में मिक्सअप नहीं होगा, पेज कैटेगरी में मिक्सअप नहीं होगा, कैटेगरी पोस्ट में मिक्सअप नहीं होगी, प्रोडक्ट कैटेगरी में मिक्सअप नहीं होगी, जस्ट इन केस। तो हर चीज़ अलग अलग है। अब मैं अगर थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ आपको ताकि ज़रा क्लियर नज़र आए, सबसे पहले पोस्ट साइट मैप, मैं इसमें क्लिक करूंगा, जितनी मेरी वेबसाइट पे पोस्ट होंगी वो सारी की सारी यहाँ नजर आएंगी। ये देखें मैंने अभी ये प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान पब्लिश किया था हमने, तो वो यहाँ पे आपके पास आ रहा है। उसके बाद बैक जाता हूँ, पेजेस में आप जाओगे तो जितने पेजेस होंगे आपकी साइट पे उन सबका साइट मैप आ जाएगा, ठीक है।
मतलब उस सारे पेजेस आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो जितनी टोटल प्रोडक्ट्स होंगी हमारी साइट पे वो सारी यहाँ पे नजर आएंगी आपकी। तो इस तरह से हर चीज को सेपरेट सेक्शंस के अंदर बना के रख दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब ये अगर साइट में मैं उठा के हैंड ओवर कर दूंगा ना गूगल को, तो उसको उसी की लैंग्वेज में हर चीज बड़ी क्लियर नजर आएगी। एक्सएमएल उसकी लैंग्वेज है, पर हमने डेटा को उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको दे दिया, क्योंकि हम गूगल के लिए चीजें इजी बनाएंगे, फिजिबल बनाएंगे, तो हमारे लिए वो जो डिजायर्ड आउटकम्स हम अचीव करना चाहते हैं वैसे ही लेके आएगा, वरना इंडेक्सेशन तो उसने वैसे भी कर ही लेनी है, तो इस तरह उसके लिए फिजिबल हो जाएगा। तो ये साइट मैप है, ये साइट मैप जनरेट ऑटोमेटिकली हो चुका है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। सम टाइम आप उसको इसको थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ेगा, जैसे ये ऑलरेडी एडिट हुआ हुआ है। वो एडिट कैसे करते हैं, अगर आप SEO में ही आए, यहाँ पे सिर्फ आपने मेक श्योर करना है ये ऑन है, और ये सीधा XML साइट मैप पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या साइट मैप आपका है। उसके बाद SEO में ही आपके पास सर्च अपेयरेंस का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसमें चले जाना है। तो यहाँ पे साइट मैप एडिट किया जा सकता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप साइट मैप में शो नहीं करवाना चाहते तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं, कुछ शो कर नहीं हो रही करवाना चाहते हो तो उसको ऑन कर सकते हो। तो हम उसके लिए आए हैं सर्च अपेयरेंस में, साइट मैप की एडिटिंग की बात कर रहा हूँ। सो SEO सर्च अपेयरेंस में अब आए, पहले हम जनरल में गए थे। सर्च अपेयरेंस में जब आप आए तो यहाँ पे आपके पास जनरल ऑप्शन आ रहा है, इसके बाद कंटेंट टाइप का ऑप्शन आ रहा है। कंटेंट टाइप में जब आप आएंगे कंटेंट टाइप्स में, सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है पोस्ट का। पोस्ट में वो अगर आपको क्या कह रहा है, शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स, आप इनको सर्च रिजल्ट्स मीन गूगल रिजल्ट्स में जो याहू बिंग रिजल्ट्स में शो करना चाहते हैं, तो जी पोस्ट तो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शो हम करेंगे। अगर ना करना हो तो आप ये नो कर सकते हैं, और ये आपके साइट मैप से भी एक्सक्लूड हो जाएगा। साइट मैप में भी जो ये पोस्ट वाला सेक्शन है, ये पोस्ट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये वाला पूरा पार्ट ही स्किप हो जाएगा। तो अगर आप इसे ऑफ करेंगे तो, इसको तो हम ऑफ नहीं करेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पोस्ट हमने मेक श्योर करना है कि प्रॉपर ऑन है। उसके बाद पेजेस का सेक्शन आ रहा है, ये आपका ऑन हुआ हुआ है। उसके बाद आपके पास टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, तो टेम्पलेट में लिखा हुआ आ रहा है सेटिंग फॉर सिंगल टेम्पलेट URL। तो माई टेम्पलेट्स एंड टेम्पलेट्स होती है ना कि वो तो आपके थीम्स होते हैं, ठीक है, किसी पेज के डिज़ाइन के बारे में, तो ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम इंडेक्स करवाना चाहते हैं। तो हम इसको नो कर देते होते हैं कि टेम्पलेट वगैरह जो डिफॉल्ट टेम्पलेट्स बने हुए हैं, जो डिज़ाइन बने हुए हैं, वो ना हमारे इंडेक्स में चले जाए। उसके बाद प्रोडक्ट का सेक्शन है, जी यस हमें ये चाहिए, यहाँ पे आप ये कंट्रोल करोगे। उसके बाद मीडिया में आप आओगे, मीडिया के अंदर आपका बाय डिफॉल्ट ये है कि आपने मीडिया और अटैचमेंट जो है उसको इंक्लूड करना है साइट मैप में, तो हमने इसको बोला हुआ है यस। उसके बाद टेक्सोनॉमीज हैं, टेक्सोनॉमीज में कैटेगरीज टैग्स वगैरह होते हैं, तो कैटेगरीज को इंक्लूड करना है, कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट, सो हम इसको इंक्लूड करेंगे। टैग्स की बात आ रही है, टैग्स को इंक्लूड करना है, यहाँ पे येस है, हम इसको नो करेंगे। अभी हमने कोई टैग यूज़ नहीं किया हुआ है साइट पे, वरना यहाँ पे टैग्स का सेक्शन भी आना था। टैग्स को नो क्यों करता हूँ, टैग्स असल में ये होता है कि अगर आपकी एक पोस्ट पब्लिश की गई है और उस पोस्ट के अंदर आपने 5 टैग्स यूज़ किए हैं, टैग्स होते हैं जस्ट लाइक कीवर्ड्स, तो अगर आपने एक पोस्ट के अंदर 5 टैग्स यूज़ किए हैं, तो पोस्ट जो है ना वो आपकी एक एक तो पोस्ट इटसेल्फ है, एक वो किसी कैटेगरी के अंदर है 2 बार, और 5 टैग्स यूज़ किए हुए हैं, तो 2 और 5 7 बार, 7 बार आपकी पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी। सेम पोस्ट 7 टाइम्स इंडेक्स होगी, क्योंकि 5 बार वो टैग्स के अंदर इंडेक्स होगी, 1 बार कैटेगरी के अंदर इंडेक्स होगी, और 1 बार वो इंडिविजुअल पोस्ट इंडेक्स होगी। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके डुप्लीकेट, एक ही जो आपका वर्जन है, जो एक ही पोस्ट है उसके बहुत सारे वर्जन क्रिएट हो जाते हैं, तो इसलिए टैग्स यूजली हमारे लिए नॉट रिकमेंडेड है। हम रिकमेंड उसे नहीं करते कि हम उसे इंडेक्स में लेके। एक और रीज़न कि क्यों हम लोग टैग्स को यहाँ से एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि टैग्स का अपना कोई यूनिक कंटेंट नहीं होता ना, सेम वही एक पोस्ट होती है, और वही जो जिन जो 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 टैग्स उसमें हमने अप्लाई किए थे उन टैग्स के लिए वो पोस्ट इंडेक्स में आ रही होती है। सो डिफरेंट व्यूज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए, इससे कोई डुप्लीकेट कंटेंट का उस तरह का इशू नहीं होता, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इसको नहीं आप इंक्लूड करना चाहिए आपको, क्योंकि इसका अपना कोई यूनिक कंटेंट नहीं है, ये पोस्ट को एक ही पोस्ट को मल्टीपल टाइम इंडेक्स करवा रहा है। तो मैं यूजुअली टैग्स जो है उसको इंडेक्स में नहीं लेके आता। एक तो ये रिकमेंडेशन है कि किसी भी पोस्ट पे 2-3 टैग से ज़्यादा टैग्स यूज़ ना करें, और वैसे भी टैग से आपकी जो विद इन द साइट सर्च है वो भी इम्प्रूव होती है, तो टैग्स यूज़ करने चाहिए, लेकिन उसको मैं सर्च इंजन से इसलिए एक्सक्लूड करता हूँ कि एक ही पोस्ट की जो मल्टीपल वेरिएशन है वो वहाँ पर ना आए। तो इसमें मल्टीपल ओपिनियंस हैं, आप इसको ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, पर मेरे एक्सपीरियंस में इसको मैं मोस्टली ऑफ रखता हूं, क्योंकि इसकी वजह से डिफरेंट इश्यूज क्रिएट होते हैं कि सेम पोस्ट है, अगर तो आपने 5-6 टैग्स यूज़ किए हैं, एक कैटेगरी है, एक पोस्ट खुद है, तो उसके 7-8 वर्जन जो हैं वो गूगल में आ रहे होते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो यूनिक आर्टिकल खुद है या उसकी मेन कैटेगरी है बस वो वहाँ पर नज़र आए, जो टैग्स के लिए वो इंडेक्सेशन में ना आए।
वैसे तो गूगल इज स्मार्ट इनफ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन स्टिल जो मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंगली जो बेस्ट प्रैक्टिस है, हमें टैग्स को साइट मैप में एक्सक्लूड करना चाहिए, इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो उस केस में क्या है, आप टैग्स को यहाँ पे नो कर देंगे ताकि टैग्स आए ना। उसके बाद आपका फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट का क्या लेना देना है SEO के साथ, फॉर्मेट थोड़ी रैंक होता है, तो फॉर्मेट भी आपका डिसेबल्ड होगा, मतलब पोस्ट का फॉर्मेट क्या होगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी जो है, प्रोडक्ट कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, जो आप मतलब कोई रिंग्स आप सेल कर रहे हो, ज्वेलरी की डिफरेंट आइटम सेल कर रहे हैं, तो रिंग्स ब्रेसलेट्स वगैरह, अब वो डिफरेंट कैटेगरीज है ना, उसके नीचे प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो कैटेगरीज खुद भी तो इंडेक्स में आएंगी, हम असल में कैटेगरीज को तो प्रॉपर बूस्ट कर रहे होते हैं ताकि वो कैटेगरी रैंक पे आए, वो अथॉरिटेटिव हो जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी बने, और उसके अंडर फिर जो प्रोडक्ट में हम ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको बूस्ट मिलेगा। तो कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट, इसको हम रखेंगे। प्रोडक्ट टैग्स, वही अगेन वही बात, मैं इसको भी नो कर दूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट शिपिंग क्लासेस, शिपिंग क्लासेस का क्या लेना देना रैंकिंग के साथ, कोई लेना देना नहीं है, इसको हम नो कर देंगे। उसके बाद फिर आप जाएंगे आर्काइव्स पे, और यहाँ पे आपके पास ऑथर आर्काइव्स हैं, तो अगर आपके पास मल्टीपल ऑथर्स हैं, कोई ब्लॉग है जिसमें मल्टीपल ऑथर्स आपके आर्टिकल्स लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, और आप उनको भी इंडेक्स में लाना चाहते हैं, उनको भी इंडिविजुअल, उनकी भी आइडेंटिटी रखना चाहते हैं सर्च इंजन में, तो फिर आप इसको ऑन रखते हो, वरना इसको डिसेबल कर देते हो अगर आपके पास ऑथर सिस्टम नहीं है। डेट आर्काइव्स को भी मैं यूजली जो है इसको ऑफ करता होता हूँ। इसको मैं क्यों नहीं करता डेटा आर्काइव्स को, क्योंकि डेटा आर्काइव्स में सिर्फ ये होता है कि जी किस मंथ में किस ईयर में कौन कौन सी पोस्ट हुई थी, तो एक एक कॉपी पोस्ट की वहाँ क्रिएट हो जाती है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मेन कंटेंट है पोस्ट की जो मेन कॉपी है वो रैंक पे आए। अब हम लोग कोई पर्सन कीवर्ड सर्च कर रहा है, कीवर्ड सर्च करते हुए हमारे मेन आर्टिकल की बजाय वहाँ पे एक आर्काइव वाला आर्टिकल जो पुराना, मतलब फलां ईयर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था या फलां मंथ में ये पब्लिश हुआ था, वो आ जाए, उसकी वो वैल्यू नहीं है। हमें अपना मेन कंटेंट वहाँ पब्लिश करवाना है, तो कोई भी कन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करने के लिए हम डेट आर्काइव जो है उसको साइट मैप में इंक्लूड नहीं करते। हाँ, वो इंडेक्स होगा, अगर कभी जरूरत पड़ी तो वो कहीं भी आ सकता है, लेकिन हम लोग उसको साइट मैप से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें अपना मेन कंटेंट जो है उसके ऊपर फोकस करना है। तो यूजली जब हम इसको ऑन रखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बजाय मेन कॉन्टेंट के आपका आर्काइव का लिंक जो है वो रैंक हो रहा हो, तो इस वजह से हम इसको ऑफ कर देते हैं। ये करने के बाद फिर आपके ब्रेड क्रम्स हैं, ये तो खैर साइट मैप रिलेटेड नहीं है, मैंने आपको जो साइट मैप के अंदर चीज़ें थी उसको कवर कर दिया, तो ये तो आपका साइट मैप का सारा हो गया। फिर ब्रेड क्रम्स हैं, और ब्रेड क्रम्स में अभी मैं इसको नहीं टच करता, एक जनरल और ब्रेड क्रम्स, इसमें कुछ सेटिंग्स हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। सो दैट इज़ इट अबाउट द साइट मैप। ये आपका साइट मैप बन गया। अब आपका साइट मैप जो है, इसमें जो चीज़ें भी आपने चेंजेस की हैं आप सेव कर दोगे, और उसके बाद अगर पहले फॉर्मेट आ रहा था, पहले कोई टैंपलेट्स आ रहे थे यहाँ पे, तो आप रिफ्रेश करेंगे, वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी, आपके पास सिर्फ वही नज़र आएगा जो आपने रखा हुआ है। अब ऑथर साइट मैप है, ये भी आप देखना यहाँ से खत्म हो चुका होगा, क्योंकि मैंने ऑथर को साइट मैप से एक्सक्लूड किया है। आपके पास मेन मेन चीज़ें जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है जिसको आप असल में रैंक करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको। तो इस तरह से साइट मैप को सर्च अपेयरेंस के थ्रू हम एडिट कर सकते हैं। तो साइट मैप यूज़ ने क्रिएट कर दिया, एडिटिंग वगैरह हमने सर्च अपेयरेंस सेटिंग जो है SEO यूज़ की उधर से देख ली। अब इसके बाद फर्दर इसको क्या करना है उसको हम देखेंगे। अभी बात करते हैं रोबोट्स की। रोबोट्स क्या चीज़ है? रोबोट्स असल में समझ में आपकी वेबसाइट का डोर है। तो मैंने एक आपका वेबसाइट जो है वो एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही डोर है, वो डोर है रोबोट्स। किसी ने भी इस बिल्डिंग में एंटर होना है तो उस रोबोट्स में से गुजर के एंटर होना पड़ेगा। तो रोबोट्स ये काम करते हैं। तो वो बिल्डिंग का डोर है, डोर बंद होगा तो कोई एंटर नहीं हो सकता, डोर ओपन करोगे तो लोग एंटर हो सकते हैं। वहाँ सिक्योरिटी खड़ी हुई है, आप किसी को एंटर होना देना चाहते हैं, किसको नहीं होना देना चाहते, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो डोर क्लोज करना है, डोर ओपन करना है, और अगर ओपन करना है तो उसके बाद किन लोगों को आने देना है, किन लोगों को नहीं आने देना, सारा कंट्रोल आपके पास है, और कोई रास्ता नहीं है, उस बिल्डिंग में वहीं से जाया जा सकता है। तो रोबोट्स बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी जिससे आपको बड़ा अच्छी तरह से एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। तो वेबसाइट इज अ बिल्डिंग, रोबोट्स आपका डोर। अगर उस वेबसाइट में किसी को आने देना है या नहीं आने देना, आपने रोबोट्स के थ्रू डिसाइड करना है। डोर बंद कर देंगे, कोई अंदर नहीं आ सकता, खोल देंगे लोग आ सकते हैं, सिक्योरिटी डिप्लाई कर देंगे वहाँ पे। आप कहेंगे जी नहीं, किस किस इसको आने देना, इसको नहीं आने देना, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस के बाद लोगों को आने दिया जाएगा, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके डोर है वेबसाइट का, तो यहाँ आप डिसाइड करते हो किसको आने देना है किसको नहीं आने देना, सर्च इंजन के लिए, आम यूजर के लिए नहीं। आम यूजर को आप वेबसाइट का लिंक उठा के दे दोगे और वो देख लेगा, रोबोट तो आपके दरवाजा बंद भी है तब भी उसको वेबसाइट नजर आएगी। ये स्पेशली डिजाइंड है सर्च इंजन के लिए, गूगल, याहू, बिंग और इस तरह के बाकी जो सर्च इंजन हैं, बोट्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, ये उनके लिए होता है कि उनको अलाउ करना है या नहीं करना। सो जब वेबसाइट डेवलप हो रही होती है, तो अक्सर अगर तो वो लोकल होस्ट पे नहीं हो रही, तो
अगर वो लाइव प्रॉपर होस्टिंग डोमेन पे प्रॉपर लाइव साइट के ऊपर काम हो रहा है तो उनसे पहले रिपोर्ट्स के थ्रू ब्लॉक कर दिया जाता है साइट को, ताकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट साइट इंडेक्स ना हो। तो वो ब्लॉक टोटल कैसे करते हैं, ऑन कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो वर्डप्रेस के अंदर तो ये चीज़ बड़ी सिंपल है, रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल होती है, जैसे साइट मैप जो है ना वो साइट मैप डॉट एक्स एम एल है, एक्स एम एल लैंग्वेज है गूगल की, तो वो इस एक्सटेंशन के ऊपर आपकी फाइल बनती है और हम उसको ऐड करते हैं। जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉट टी एक्स टी आपकी टेक्स्ट फाइल है, बस वो टेक्स्ट फाइल एक बना के आपको साइट पर ऐड करनी पड़ती है, और जब भी कोई सर्च इंजन कोई बोट आपकी साइट पे एंटर होने लगेगा तो रिपोर्ट्स डिसाइड करेंगे इसको एंटर होने देना है या नहीं होने देना, क्योंकि ये डोर है। सो ये आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं, आपके पास यूज्ड को दोबारा से थैंक यू, क्योंकि यूज्ड के अंदर हमारे पास रिपोर्ट्स को डायरेक्टली एडिट करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पे प्लगइन्स एसईओ में आएंगे, एसईओ यूज्ड में, एसईओ यूज्ड में आप आएंगे ये टूल्स में, और टूल्स के अंदर आपके पास फाइल एडिटर का ऑप्शन आएगा, ये फाइल एडिटर का ऑप्शन है। सो एसईओ यूज्ड टूल्स एंड फाइल एडिटर, और फाइल एडिटर के अंदर आपके पास रिपोर्ट्स को एडिट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे देखें ये रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी, यू डोंट हैव अ रिपोर्ट्स टी एक्स टी फाइल, क्रिएट वन हेयर। तो सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं, अगेन थैंक्स टू यूज्ड, तो यूज्ड है, मल्टीपल काम हमारे परफॉर्म हो रहे हैं, मेटाज हमने उससे ऐड किए, साइट मैप हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, और अब रिपोर्ट्स भी हम यहीं से सेटअप करने लगे हैं। तो क्रिएट रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी फाइल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल बना देगा, मैं बैक जाता हूँ, ये आपके पास उसने एक बॉक्स ओपन कर दिया जिसके अंदर डिफॉल्ट आपके रिपोर्ट्स बना दिए हैं, जिसमें लिखा हुआ है यूज़र एजेंट डिस अलाओ अलाओ, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये आपकी वेबसाइट का डोर है, अब किसी ने भी आना है ना तो यहाँ से गुजर के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र एजेंट कॉलन और हिस्टेरिक लगा हुआ है, ये क्या है, ये यूज़र एजेंट कॉल कर रहा है कि जो भी रोबोट, जो भी एल्गोरिदम, जो कोई सर्च इंजन इंटर होने लगे आपकी वेबसाइट में, ये उसको कॉल कर रहा है, उसके एजेंट को, उसके बोट को, उसके एल्गोरिदम को बोल रहा है यूज़र एजेंट, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है रोबोट्स। डिसअलाउ कॉलन डब्ल्यू पी डैश एडमिन, डब्ल्यू पी डैश एडमिन एरिया कौन सा होता है, आपकी वेबसाइट का लॉग इन पेज होता है, मैंने आपको बताया था अगर ये आपकी वेबसाइट है, ये देखें ये आया भी हुआ है आपकी, अगर ये वेबसाइट है तो इस वेबसाइट के लास्ट पे डब्ल्यू पी फॉर वर्ड प्रेस डैश एडमिन लगा दो तो ये आपके लॉगिन पेज पे आपको ले जाएगा। अब लॉगिन पेज ऐसा पेज नहीं है जो हम सर्च इंजन में इंडेक्स करवाना चाहते हैं, लॉगिन पेज कहाँ पे इंडेक्स होता है, लॉगिन पेज तो आपका सिर्फ लॉगिन करने के लिए है। तो हम लोग चाहते हैं, यूज़र एजेंट का मतलब है कि यूज़र को जो एजेंट आ रहा है गूगल का, याहू का, बिंग का सर्च इंजन, उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, उसको उसको कॉल किया जा रहा है कि आप डब्ल्यू पी डैश एडमिन एरिया जो हमारी वेबसाइट का लॉगिन एरिया है उसके अंदर नहीं जा सकते। तो डिस अलाउ कॉलन डब्ल्यू पी डैश एडमिन का मतलब ये है कि आप यहाँ नहीं जा सकते। तो यहाँ पे पूरा लिंक क्यों नहीं लिखा गया, ये पूरा का पूरा लिंक स्टार्ट लेके एंड तक क्यों नहीं लिखा गया, इसलिए क्योंकि रोबोट्स आपकी मेन वेबसाइट के ऊपर होते हैं। तो आपकी जिस वेबसाइट के अंदर आप अभी खड़े हुए हो ना, ये वेबसाइट का जो मेन, अगर मैं बोलूँ ना इसको एक फोल्डर बोलूँ, तो ये वेबसाइट आपका एक फोल्डर है, उस फोल्डर का नाम है seostopshop.com, ये वेबसाइट का मेन फोल्डर है, मेन डोमेन जो है उसका नाम वो एक फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर एरिया कौन सा है, सब फोल्डर कौन सा है, डब्ल्यू पी डैश एडमिन। तो यहाँ पे सिर्फ इसलिए ये लिखा गया डब्ल्यू पी डैश एडमिन क्योंकि ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जब इस साइट पे ऐड कर रहे हैं तो फोल्डर तो यही है ना, डॉट कॉम तक तो ये है, तो मैं सिर्फ उसका बाकी पाथ दूंगा, मुझे पूरा का पूरा लिंक लिखने की जरूरत नहीं है। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यू पी डैश एडमिन लिखा गया है, यहाँ पे ये पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक जो है ये पूरा का पूरा नहीं लिखा गया, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू पी डैश एडमिन लिखा गया, क्योंकि वो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप इसी साइट के ऊपर स्टैंड किए हुए, आप इसी फोल्डर के अंदर हो, क्योंकि इस साइट पे अप्लाई हो रही है ना रिपोर्ट्स, तो ये डब्ल्यू पी डैश एडमिन से ब्लॉक कर दिया। अलाउ डब्ल्यू पी एडमिन के अंदर एक एरिया है एडमिन डॉट ए जे ए एक्स डॉट पी एच पी, वो एरिया आपके लिए अनेबल है, अलाउड है, वो आप कर सकते हो। तो कंडीशन लगाई है डब्ल्यू पी डैश एडमिन वाली साइड पे नहीं जाना, वो एक अलग से फोल्डर, एक रूम है बिल्डिंग के अंदर, एक रूम है, वहाँ नहीं जाना। हाँ, उस रूम के अंदर दो डोर हैं, मतलब स्टार्टिंग में जाके एक साइड पे ये चीज़ पड़ी हुई है, आप इस तक जा सकते हो, बाकी जो आगे वाले इधर उधर की चीज़ें हैं वहाँ पे आप टच नहीं कर सकते, उस साइड पे आप नहीं जा सकते। तो ये कंडीशन पे कंडीशन लगा दी गई है, तो ये डिफॉल्ट रिपोर्ट्स है, यूजली आपको इसको एडिट करने की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ एक काम करना पड़ता है एंड दैट इज इट। वो क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हमें इन केस को पेज ब्लॉक करना हो, मीन्स कि आपको क्लाइंट ने बोल दिया
कि ये यार ये फलां पेज है, मैं नहीं चाहता ये गूगल में इंडेक्स हो, आप इसको बनाओ, नया पेज बनाओ, लेकिन गूगल में इंडेक्स नहीं होना चाहिए, गूगल याहू बिंग किसी सर्च इंजन में नजर ना आए, मैं जिसको लिंक दूं वो देख सकता है और कोई ना दे सके, उसको मैंने पब्लिक भी नहीं रखना, मतलब पब्लिक मतलब है लेकिन लोगों को अगर लिंक दिया जाए तो लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गूगल याहू बिंग ये जितने सर्च इंजन है ये उसको ना देख पाए, मुझे ऐसा कुछ करना है, तो वो आप इस पर कैसे ऐड करेंगे, मैं उसकी एग्जाम्पल देता हूँ। ये पेजेस हैं, पेजेस के अंदर मैं आता हूँ और कोई सा भी एक पेज पिक करता हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो आपने ब्लॉक करना है, मैं सिर्फ आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर इन केस कोई करना पड़े तो कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे थैंक यू यू डिड इट, एक थैंक यू पेज है, मैं इसको व्यू करता हूँ, ये पेज है, मुझे क्लाइंट कहता है ये मेरा थैंक यू पेज है, ये मेरे से कोई चीज़ कोई बंदा परचेज करता है उसके बाद मैं उसको शो करवाता हूँ, या ये वो पेज ऐसा है कि जो मैं इसमें कोई कोर्स पढ़ा हुआ है, कोई चीज़ पढ़ी हुई है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को देना चाहूँ, इस पर कोई वीडियो है मैं दे सकूँ वरना ना दूँ, तो ये सपोज की है, तो मैं इसको ब्लॉक करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ये पेज बनेगा, पेज बनने के बाद एक उसका मेथड ये है कि आप इसका पाथ कॉपी करेंगे एंड वाला, और जिस तरह से ये डिसअलाउ लिखा हुआ है ना, इसी तरह से यहाँ पे नीचे लिखेंगे डिसअलाउ कॉलन, दैट इज इट। अगर ये अलाउ ना होता, अगर मैं दो डिसअलाउ करता हूँ तो देखें डिसअलाउ डब्ल्यू पी डैश एडमिन एरिया डिसअलाउड है, और ये वाला एरिया जो है आपका वो भी डिसअलाउड है, यहाँ पे भी कोई पर्सन नहीं जा सकता, तो डिसअलाउ कॉलन थैंक यू, इसका मतलब ये है कि ये वाला पेज सर्च इंजन इसको डिस्कवर नहीं कर सकता, कोई भी सर्च इंजन गूगल याहू बिंग कोई भी सर्च इंजन इसको डिस्कवर नहीं कर सकता, ये हिडन है उनके लिए, उनके पास पावर ही नहीं है इसको 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 फैच कर सकें, इसको देख सकें। तो आपने टाइमली इसको उठाया और उसको पहले से स्टार्ट में ही बनाते साथ इसको डीइंडेक्स करवा दिया, और अगर आप चाहते हैं किसी पेज को अलाउ करना है तो फिर वो अलाउ का ये है कि ये डिसअलाउ आपका अलाउ हो जाता है, तो बाय डिफॉल्ट सारे अलाउड होते हैं, जो आपने डिसअलाउ किया बस वो किया, बाकी आपके सारे अलाउड ही होते हैं। तो ये आप अलाउ डिसअलाउ करने से आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी स्पेसिफिक पेज को सर्च इंजन के लिए हाइड कर सकते हैं, मैं अगेन बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, आम यूजर के लिए कोई मसला नहीं है, आम बंदा मुझे कोई लिंक ये उठा के दे देगा, मैं आपको दे दूंगा, आप देख सकते हो, आपके लिए ये लाइव है, आपको नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन जो है ना गूगल याहू बिंग और इस तरह के और बाकी बोर्ड्स टूल्स के बोर्ड्स ये नहीं देख सकेंगे, बाकी आम लोग देख सकते हैं। और रीजन क्या होती है कि आप चाहते हो कि ये पब्लिकली हर एक को अवेलेबल ना हो, मैंने वेबसाइट पे से कहीं ऐड नहीं किया हुआ, ये बनाया हुआ है लेकिन मैं उन्हीं जिनको मैं लिंक देता हूँ बस वो देख सकते हैं, या अगर वो किसी और के साथ लिंक शेयर कर दें तो वो देख सकते हैं, लिंक होगा तो देख सकेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि गूगल पर जाके कोई टर्म टाइप हो रही है और गलती से ये वाला पेज वहाँ पे आ जाए और लोग उसको देख लें, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ रिजल्ट्स के अंदर कभी नहीं आएगा क्योंकि डिस्कवर ही नहीं कर पाएंगे इसे सर्च इंजन। तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली इन बोर्ड्स और यूजर एजेंट्स, ये जो बोर्ड्स वगैरह एल्गोरिदम्स हैं सर्च इंजन हैं, इनके लिए सिर्फ ब्लॉकेज लग रहा है, आम बंदे के लिए ब्लॉकेज नहीं लग रहा कि वो वहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर कभी नहीं आएगा ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कंट्रोल करते हैं। अब पूरी की पूरी साइट को अगर आपने डिसअलाउ करना हो, हाइड करना हो, मीन्स के साइट आप लाइव डेवलप कर रहे हो, रियल टाइम डेवलप कर रहे हो उसको, और आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट किसी टाइम गूगल आकर देखना ले, याहू आके देखना ले और वैसे ही इंडेक्स कर ले अभी इनकम्प्लीट कोई, तो आप क्या करते होते हैं यूजर एजेंट, ये जो आपका स्टैटिक वैसे ही रहेगा, डिसअलाउ के बाद सिर्फ स्लैश, तो ये जो बैक स्लैश लगा दिया आपने, इसका मतलब है डिसअलाउ कॉलन बैक स्लैश, पूरी साइट डी इंडेक्स हो गई है, क्योंकि आपकी साइट का जो मेन लिंक है वो ये होता है ना, जो आपकी वेबसाइट का जो मेन लिंक है वो ये है, तो इसके एंड पे स्लैश लगा दिया, अगर आपने यहाँ पे स्लैश लगा दिया दैट मीन्स पूरी की पूरी साइट डी इंडेक्स है, इस टाइम गूगल आएगा, याहू आएगा, बिंग आएगा, उसके लिए दरवाज़ा बंद है, साइट में आ ही नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं पूरी साइट अलाउड हो, एक चीज़ भी उसके अंदर हाइड ना हो, जो कुछ है उसमें है, तो आप डिसअलाउ को अलाउ कर देंगे, अलाउ कॉलन स्लैश, पूरी की पूरी साइट अलाउड है, इसकी एक एक चीज़ को गूगल आके, याहू आके, बिंग आके, कोई भी बोट आके इसको इंडेक्स कर सकता है। तो ये आप ये कमांड्स भी लगा सकते हैं। समटाइम होता है कि डेवलपर्स काम करके ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद साइट लाइव होती है, वो ये डिसअलाउ ख़त्म करना भूल जाता है, क्लाइंट बोलता है जी मुझे 2-1 माह हो गया है, मेरी साइट कहीं आती ही नहीं गूगल में, नज़र ही नहीं आ रही, गूगल की डेटाबेस में नहीं है, तो इशू क्या होता है, आप आगे देखते हो रिपोर्ट्स के अंदर ब्लॉक है, आप उसको डिसअलाउ को अलाउ करके स्लैश लगाओगे, साइट इंडेक्स में आना स्टार्ट हो जाएगी, आप इंडेक्स में सबमिट करोगे तो विद इन 24 आवर्स 72 आवर्स आपकी साइट, उसकी साइट के कई पेजेस जो हैं वो सर्च इंजन के अंदर आ चुके होंगे, इंडेक्स हो चुके होंगे, रैंकिंग की बात नहीं कर रहा, तो ये इशू आ जाता है। तो ये अलाउ कॉलन स्लैश, सारी साइट अलाउड है,
डिसअलाउ कॉलन स्लैश सारी साइट जो है ना वो बंद है गूगल के लिए, याहू के लिए, बिंग के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए, वो आके डिस्कवर नहीं कर सकते। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट अगर कोई इस तरह से लाइव साइट पे काम कर रहा हो तो फिर जो है ना वो उसको डिसअलाउड कर दिया जाता है। अब ये एक काम हो गया। दूसरा, यूजुअली जो इसकी डिफॉल्ट रिपोर्ट्स की फाइल है वैसी रहती है, क्योंकि कोई किसी ने कोई प्रॉपर कोई एक आधा लिंक इंडेक्स करवाना है तो वो भी हमारा उसी जगह से हो सकता है, उस पेज से ही हो सकता है, हमें उसमें भी आने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल अगर करना पड़े तो कैसे करते हैं, अलाउड डिसअलाउड किसी भी स्पेसिफिक लिंक को वो भी बता दिया मैंने, पूरी साइट को अलाउड डिसअलाउड करना है वो भी बता दिया मैंने। और अगर यूजुअली जो साइट्स होती हैं उसमें डिफॉल्ट रिपोर्ट्स होते हैं, सिर्फ एक काम करना पड़ता है। वो काम क्या है, मैंने आपको बोला है कि ये रिपोर्ट्स जो है साइट का डोर है, दरवाजा है, जहां से कोई भी सर्च इंजन कोई भी बोट एंटर होता है। अब गूगल बोट आया है मेरे रिपोर्ट्स में, मेरे डोर से एंटर होने लगा है और मेरे पास साइट मैप है, मैं अगर अपना साइट मैप पकड़ूं और जैसे ही गूगल एंटर होने लगा है, मेरा जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा रिपोर्ट्स है, जो मेरा डोर है वहीं पे, उसको अगर साइट मैप हैंड ओवर कर दिया जाए, ये ले साइट मैप, गूगल साइट में गूगल एंटर हो रहा है ना, गूगल एल्गोरिथम आ रहा है, गूगल का बोट आ रहा है, याहू का आ रहा है, बिंग का आ रहा है, जैसे वो एंटर होने लगे हैं रोबोट्स के थ्रू, रोबोट्स उसको हैंड ओवर कर दे, ये लें साइट मैप, अंदर आप जा रहे हो, यहाँ पे फलां चीज ऐसे ऐसे आपने इंडेक्स करनी है जी, वहाँ पे लेफ्ट पे ये चीज पड़ी हुई है, राइट पे ये है, सामने ये है, रूम नंबर वन में ये है, टू में ये है, थ्री में ये है, फोर में ये है। तो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, उसको साइट मैप दे दूंगा और उसे बोलूंगा ये मेरी साइट जब जा रहे हो ना इसके अंदर, इसको ऐसे से इंडेक्स करना, इसमें इधर पेजेस हैं, ये वाले पेजेस हैं, ये पोस्ट हैं, ये कैटेगरीज हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ उसको उसको बता दूंगा। उसको एक मैनुअल मिल जाएगा, यूजर मैनुअल जो होता है वो मिल जाएगा, ये लें आप, मतलब किसी जगह पे आप जाएं, आप किसी होटल में जाएं, किसी सेमिनार में जाएं और वहां पे वो गाइड करने के लिए लोग खड़े होते हैं ना स्टार्ट में, जैसे ही एंटर हो गए आपको बताएंगे जी ये, अक्सर वो एक पेपर दे देते हैं जिसके ऊपर पूरा मैप बना होता है, तो आपने कहाँ कहाँ जाना है, कोई एक्सपो हो रहा है वहाँ पूरा मैप बना होता है कि कौन कौन सा काउंटर कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, तो वो ले लें तो हमें पता चल जाता है कि यार ये काउंटर नंबर ये फलां आ गया है, अच्छा हाँ वो वाला आगे होगा, ये साइड पे होगा, उस साइड पे होगा, आपके लिए इजी हो जाता है। तो रिपोर्ट्स और द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप अपना साइट मैप जो है ना उसको हैंड ओवर करोगे गूगल को, ये लो साइट मैप, इसको फॉलो करते हुए आगे जाके सारी चीज़ों को इंडेक्स करो। तो रिपोर्ट्स के अंदर हम साइट मैप रख देते हैं, साइट मैप का लिंक लगा देते हैं, रख देते हैं, ताकि जैसे ही डोर से एंट्रेंस हो सर्च इंजन को हमारा उनका पूरा मैनुअल मिल जाए कि पूरी साइट को इंडेक्स करना कैसे है। सो बाकी जो रिपोर्ट्स आपके डिफॉल्ट जो हैं वो हैं, उसमें शायद आपको कुछ चेंज ना करना पड़े, लेकिन साइट मैप इसके अंदर लाजमी रखना है, कोई भी साइट हो। तो आपने क्या करना है, सबसे टॉप पे या बॉटम पे कहीं भी रख सकते हैं, मैं टॉप पे एंटर करता हूं, या लिखता हूं मैं साइट मैप कॉलन, और ये जो साइट मैप मैंने ओपन किया हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी फीचर से जाके किया था, उसको कॉपी करता हूं और कॉपी में जाके मैं यहां पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, और सेव चेंजेस टू रिपोर्ट्स। तो क्या हुआ कि मैंने साइट मैप को टॉप पे रख दिया, मैंने इसको अलाउ डिसअलाउ कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए रखा है, ताकि रिपोर्ट से जैसे ही कोई बोट एंटर होने लगे किसी भी सर्च इंजन का, उसको साइट मैप मैनुअल हैंडल कर दिया जाए कि आपने आगे जाके इस तरह से चीज़ों को इंडेक्स करना है। सो आपने अपना साइट मैप अपने रिपोर्ट्स में रख लिया करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रिपोर्ट्स हैं क्या, आप इसमें किस तरह से किसी स्पेसिफिक पेज को अलाउ डिसअलाउ करते हैं, किसी पूरी साइट को अलाउ डिसअलाउ करते हैं, कैसे इसमें साइट मैप रखना है और साइट मैप क्यों रखना है, क्योंकि ये फर्स्ट आपकी मतलब इंट्रैक्शन यहाँ पे होता है किसी भी साइट पे एंटर होने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर होने लगना है वहाँ पे क्या होना है कि हैंड ओवर कर देना उसको मैनुअल, कि ये मैनुअल है इसको फॉलो करें। तो दैट इज हाउ यू कैन एडिट रिपोर्ट्स इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ये करने के बाद सेव हो गया, दैट इज इट। अब रिपोर्ट की फाइल ओपन कहाँ होती है, तो ये reports.txt इसका नाम होता है हमेशा। आप अपनी जो मेन साइट है, जिस तरह से ये .com तक है, इसके बाद साइट मैप आ रहा है, इसी तरह आप .com के बाद /robots.txt ये लगा के आप सर्च करोगे तो जो आपके रिपोर्ट्स होंगे आपको नजर आ जाएंगे। ये साइट में पड़ा हुआ है और ये यूजर एजेंट अलाउ किया हुआ है पूरी साइट को। तो आपकी साइट के लास्ट पे कोई भी साइट है, वर्डप्रेस है या कोई और जो भी साइट बनी हुई है, उसकी जो रिपोर्ट्स का नाम है ना, txt एक्सटेंशन होती है ये, तो reports.txt आप लगाएंगे अपनी साइट के एंड पे तो आपके पास रिपोर्ट्स ओपन हो जाएंगे। इसी तरह से आपको साइट मैप का बताऊं, तो साइट मैप इसका नाम आ रहा है sitemap_index.xml, यूज का नाम, यूज अगर यूज ना हुआ हो, कोई और आपने यूज किया हो, तो उसमें आता है sitemap.xml डायरेक्ट। तो जो भी नाम इसका होता है, पाथ होता है, वो आप लगाएंगे तो आप ओपन कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि कोई भी साइट है दुनिया की, जो ज्यादातर उन्होंने साइट मैप का जो नाम रखा होता है, जो उसका फाइल का नेम होता है, वो होता है sitemap.xml, नाम भी हो तो आप वहां चले जाएंगे। अब ये देखें, मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, साइट मैप .xml शॉर्टकट बता रहा हूँ,
अगर आप टूल्स भी आपको बता देते हैं, फीचर्स में जाके मैंने ये निकाल लिया, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली देखना हो साइट मैप है या नहीं है, तो डॉट कॉम के बाद स्लैश साइट मैप डॉट एक्स एम एल लगा के इसको इंटर किया, तो ये आपको ऑटोमेटिकली साइट मैप के पेज पे ले जाएगा। ये देखें साइट मैप आ गया आपको। इसी तरह रिपोर्ट्स जो है वो भी आप पाथ कंप्लीट करना है, डॉट कॉम के बाद रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी जो फाइल का नाम है वो लिखें तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइल्स हैं जो मेन फोल्डर में पड़ी हुई हैं। तो डॉट कॉम तक जो डोमेन मेन होती है वो आपका मेन फोल्डर है, उस पर ये फाइल्स पड़ी हुई हैं। एक का नाम है रिपोर्ट्स डॉट टी एक्स टी, एक का नाम है साइट मैप डॉट एक्स एम एल, वो क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी। जैसे सर्च करेंगे आप अपने फोल्डर के एंड पे वो स्लैश लगा के लगाएंगे तो ओपन हो जाएगा। तो ये आपके रिपोर्ट्स हैं और ये आपके साइट मैप हैं। साइट मैप कैसे बनाना है ये बता दिया, रिपोर्ट्स कैसे बनाने ये भी बता दिया, रिपोर्ट्स को किस तरह से आप लोगों ने चेक करना है ये भी बता दिया। अब आपको रिपोर्ट्स एक तो ये बता दिया ना, एक और जगह है जहाँ से आपकी साइट ब्लॉक हो सकती है, वो भी यहीं पर मैं कवर करना चाहूँगा कि इन केस आप देखते हैं कि साइट इंडेक्स नहीं हो रही, रिपोर्ट्स पर भी ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर ऑन है, अलाउ है सब कुछ, फिर भी वो मसला आ रहा है, तो आपने क्या करना है, अपनी वर्डप्रेस की सेटिंग में जाना है लेफ्ट पे। ये किसी प्लगइन की सेटिंग नहीं है, मेन वर्डप्रेस की सेटिंग है। सेटिंग में आपने जाना है जनरल राइटिंग रीडिंग में, थर्ड नंबर पे आ रहा है रीडिंग, तो मेन वर्डप्रेस सेटिंग में रीडिंग में जाना है, और रीडिंग में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे टू बॉटम तो ये लिखा हुआ आ रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, और इसमें ये डिस्करेज आपका अक्सर चेक हुआ होगा, अगर इन केस रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक है फिर भी साइट ब्लॉक है तो डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इसका ये मतलब है इट इज़ अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट। तो हम लोग इसको ऑफ कर देंगे और सेव कर देंगे तो हमारी साइट इंडेक्सेशन में मोस्ट प्रोबेबली आना स्टार्ट हो जाएगी, अगर ये रीज़न था तो। तो ये दूसरी प्लेस बता दी जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि साइट ब्लॉक तो नहीं है। और उसके बाद अगर आप किसी इंडिविजुअल पेज को आप डी इंडेक्स करवाना चाहते हैं, आप उसे पब्लिश कर रहे हो बट सर्च इंजन के लिए छुपाना चाह रहे हो, तो एक तो ये था ना रिपोर्ट्स में जाके ऐड कर दें लिंक। दूसरा मेथड आपको मैं बताता हूँ जो आपका उसी जगह से हो सकता है जहाँ पे आपका पेज बन रहा है, पोस्ट बन रही है, वहीं से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने उस पेज को सर्च इंजन में इंडेक्स करवाना है या नहीं करवाना। आम लोगों को तो लिंक मिल गया तो नज़र आएगा, सर्च इंजन के लिए स्पेसिफिकली इसको दिखाना है या नहीं दिखाना वो वहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पेजेस में आ गया मैं, पेजेस में आने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये चेकआउट का पेज है या कार्ट का पेज है, मुझे इसको डी इंडेक्स करना है, मैं इसको ओपन करूंगा, इधर एडिट कर लूँ, इस पर एडिट कर लूँ, डायरेक्ट एडिट कर लूँ क्लिक करके। तो एडिट करने के बाद जो यूज्ड का प्लगइन हमने यूज़ किया था ना और इसमें मेटास का ऑप्शन आया था, उस मेटास के ऑप्शन के साथ ही ऑप्शन है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि इस पेज को हमने इंडेक्स करवाना है या नहीं करवाना। तो आपको रिपोर्ट्स में जाके लिंक कॉपी पेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, आपका यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। वो कैसे है, जैसे ये कार्ड का पेज है, आपने पब्लिश किया, आप किसी को लिंक दोगे तो नज़र आएगा, लेकिन आप चाहते हो कि ये गूगल में नज़र ना आए, याहू में ना आए, बिंग में ना आए, किसी सर्च इंजन में ना आए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ये आपके पास जो SEO यूज्ड, ये यूज्ड SEO की जो सेटिंग है इसमें आप आएंगे, इसमें ये मेटास वगैरह वाला ऑप्शन है, इसके नीचे आते जाएंगे, ये सबसे एंड पे आपके पास एडवांस्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक किया करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस पेज इन सर्च रिजल्ट, तो बाई डिफॉल्ट येस है कि हाँ जी अलाउ करें। आप चाहते हैं कि ये पेज सर्च इंजन में इंडेक्स ना हो तो आप इसको नो कर देंगे, अलाउ सर्च इंजन नहीं करना अलाउ, नो। शुड सर्च इंजन फॉलो लिंक्स ऑन दिस पेज, इस पेज के ऊपर जो लिंक्स लगे हुए हैं क्या सर्च इंजन उनको फॉलो कर सकता है, तो मैं इसको भी कह देता हूँ नहीं, ये पेज मैं सर्च इंजन में नहीं दिखाना चाहता, आम लोगों को नजर आएगा लेकिन सर्च इंजन में नजर नहीं आएगा। ये करने के बाद आप सिंपल आके यहाँ पे अपडेट कर देंगे, आपने पेज को पेज लेवल पे यहीं से आपने उसको कंट्रोल कर लिया, उसको सर्च इंजन में नजर आना चाहिए या नहीं आता, यहीं से कंट्रोल कर लिया कि उसे सर्च इंजन में नजर आना चाहिए या उसको नहीं आना चाहिए। तो ये भी आपको मैंने रिपोर्ट्स के बारे में ही बता दिया, क्योंकि ये भी ब्लॉकेज के बारे में ही था कि किसी आपको किसी पेज को ओपन रखना है या सर्च इंजन के लिए ब्लॉक करना है। अगेन रिपोर्ट्स सर्च इंजन के बारे में है, आम यूजर के बारे में नहीं है, आम यूजर उसे सर्च इंजन में फाइंड नहीं कर सकता, लिंक होगा तो देख सकता है। सो आई होप कि आप लोगों को XML साइट मैप और रिपोर्ट्स दोनों की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।